अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा फ्रॉम सीईओ क्लब पाकिस्तान. येट अनदर इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑन कॉफ़ी विद सीईओ द सेशन एंड यू आर वॉचिंग सीईओ टुडे टीवी. सो वी हैव अ गेस्ट हु इज़ हिज नेम इज़ मिस्टर फर्रुख खान. ही इज़ द सीईओ ऑफ PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, एंड he has more than 30 years of experience in a managerial level and completed his chartered accountancy from England, UK. And chale inse poochte hain kuch market ke hawale se, and what is the coming volumes and ratios in market. Assalamu alaikum sir. Ji, wa alaikum assalam. सर, हाउ आर यू सर? बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू जी. सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, जस्ट टेल अस अबाउट योर प्रोफेशनल करियर एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड. थैंक यू जी. जिस तरह आपने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी में था यूके में, और फिर उसके बाद अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की यूके से, फिर वापस आकर मैं बैंकिंग में था, और फिर कुछ साल के बाद मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया. उस वक्त काफ़ी चेंजेस हो रहे थे हमारी स्टॉक मार्केट में. पहली दफ़ा 91 में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक मार्केट वॉज ओपनड अप. स्टेट बैंक ने पूरा अपना डेट मैनेजमेंट सिस्टम को रीडू किया था. डी रेगुलेशन और प्राइवेटाइजेशन का एफर्ट स्टार्ट हुआ था. तो BMI कैपिटल के नाम से एक हमारा ख्याल था कि देर इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर अ प्रोफेशनल सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म. तो वो स्टार्ट की, और माशाल्लाह काफ़ी उसमें जो है मेहनत से सबने टीम ने काम किया, और हमने ना सिर्फ ब्रोकरेज के अंदर बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत लैंडमार्क ट्रांजैक्शंस की पाकिस्तान में. जो पूरा प्राइवेटाइजेशन के साथ ऑलमोस्ट 50% सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान में जो हुई, उसमें बाय या सेल साइड पर हमने एडवाइस किया. उसके बाद फिर मैं काफ़ी इन्वॉल्व हो गया इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग के एरिया में, यानी कि इन्वेस्टिंग विद अ सोशल मिशन ऑल्सो. तो एक्यूमन के साथ मैं काफ़ी इन्वॉल्व था. मैं फिर यूके उनके साथ चला गया, उनका ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट का फंक्शन को पूरा करने के लिए, डेवलप करने के लिए. और फिर वहाँ पे जब मैं था तो मुझे अप्रोच किया गया PSX के CEO की रोल के लिए. और जब मेरी डिस्कशंस हुई बोर्ड के साथ और रेगुलेटर्स के साथ, तो ये बहुत मुझे एक अच्छी चैलेंजिंग रोल लगा ये. तो एंड हियर आई एम. सो सर, कैसा आपका इतना अर्से आपने इतनी मेहनत की, एंड इट्स यू नो लॉन्ग वे, लॉन्ग जर्नी, तो कैसा फीलिंग्स आती है, किस तरीके से मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को? देखिए, पिछला 1.5 साल मैंने जब ज्वाइन किया PSX, तो विद इन 2-3 वीक्स हम लोग लॉकडाउन में चले गए. तो एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था, क्योंकि मैं अपनी पूरी टीम से प्रॉपरली मिला भी नहीं था, क्योंकि 2-3 हफ्ते ही हुए थे मुझे ज्वाइन करके जब वर्क फ्रॉम होम और लॉकडाउन का हो गया. मगर शुक्र है कि पूरी टीम ने, हमारे मेंबर्स ने, सब ने बहुत मिलकर काम किया, और डिस्पाइट सच ए चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हमने काफ़ी चीज़ें जो हैं पिछले 1.5 साल में अचीव की, और इंशाल्लाह आगे चलकर भी विद एवरीवन वर्किंग टुगेदर यू नो वी विल कीप मेकिंग हेडवे. क्योंकि देखिए, हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया, मगर 70 साल की प्रोग्रेस के बाद भी वी आर नॉट रियली वेयर वी नीड टू बी. तो उन चीज़ों को हमें कवर करना है, और रियली PSX को एक ऐसे स्केल के ऊपर लेकर आना है कि इट इज प्लेइंग इज राइटफुल रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, तो सर कैसे देखते हैं इन 2022, वेयर डू यू सी मार्केट द डायनेमिक्स? देखिए, लास्ट ईयर अगर हम फिस्कल ईयर टू फिस्कल ईयर चलें तो मार्केट की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. लास्ट फ्यू मंथ्स जो हैं वो मार्केट रिलेटिवली स्लो रही है. तो मैं दो डिफरेंट एस्पेक्ट से बात करूंगा. एक तो मार्केट लेवल्स हैं, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स उसको इम्पैक्ट करती हैं, और पिछले 2-3 महीने में काफ़ी सारे इंटरनल और एक्सटर्नल इशूज हुए हैं, जिसकी वजह से मार्केट नीचे भी आई है और मार्केट की वॉल्यूम वगैरह भी स्लो हुए हैं. उसमें अफगानिस्तान का इशू है, ऑन गोइंग डिस्कशन जो हमारी IMF के साथ हो रही हैं, ऑयल प्राइस का बहुत इशू है, सारी ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज दुनिया में उसको फेस कर रही है, इंटरेस्ट रेट्स पूरी दुनिया में ऊपर जा रहे हैं, उसकी वजह से आपने देखा सारी दुनिया की मार्केट्स नीचे आ रही हैं. तो ये तो इशूज़ हैं मैक्रो लेवल के, जो कि यू नो ओवर टाइम दे वर्क देमसेल्व्स आउट.
उसके अलावा माइक्रो लेवल के ऊपर जो हमारी कंपनीज के रिजल्ट्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग रही है. बिल्कुल. सो दैट इज द सेकंड फैक्टर जो कि मार्केट्स को इम्पैक्ट करता है. और थर्ड चीज़ होती है लिक्विडिटी. लिक्विडिटी भी डोमेस्टिकली माशाल्लाह कोई शॉर्टेज नहीं है लिक्विडिटी की. तो मैक्रो लेवल के ऊपर हमारे चैलेंजेस हैं अभी, मगर जो हमारे बाकी दो फैक्टर्स हैं, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, दोज आर आई थिंक इन वेरी हेल्दी शेप. तो ये तो मार्केट की लेवल्स की हो गई बात, और उसके ऊपर मैं फोकस नहीं करना चाहता. वो आई थिंक ब्रोकर्स वगैरह आपने अपने फोकस 2022 के रिलीज़ किए हैं, एंड जनरली मोस्ट ऑफ देम आर पॉजिटिव के जो अनसर्टनटी थी और इश्यूज़ थे जो पिछले 3-4 महीने में रहे हैं, वो काफ़ी हद तक हल हो गए हैं, और अब एक ज़्यादा सर्टनटी रहेगी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और मैनेजमेंट में. मगर उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी मार्केट के लिए, कि हमारी मार्केट अभी भी बहुत छोटी है. उसमें डिमांड साइड, सप्लाई साइड दोनों के चैलेंजेस हैं. इन्वेस्टर्स की बेस बहुत छोटी है हमारी, और नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज भी बहुत छोटी हैं. तो उनके ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, जो रेगुलेशंस के चेंजेस हैं, पॉलिसीज के चेंजेस हैं, उन पे हम बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, ब्रोकर्स के साथ भी, SECP के साथ भी, बिकॉज दोज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि हमारी मार्केट को आगे ग्रो करने में, और जो मार्केट का साइज बढ़ेगा और जो हमारी कंट्रीब्यूशन और जो रिक्वायरमेंट है. देखिए, कोई भी मॉडर्न इकोनॉमी जो है वो कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली विदाउट डीप लिक्विड कैपिटल मार्केट्स. हम लोग इस वक्त जो है, हमारी इकोनॉमी जो है वो सिर्फ एक पहिए पे चल रही है. प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, एवरीवन इज रिलायंट ऑन द बैंकिंग सेक्टर, और बैंकिंग सेक्टर भी वो अकेला बोझ नहीं उठा सकता. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कैपिटल मार्केट्स आर इनकरेज, दे आर डेवलप्ड, ताकि कैपिटल मार्केट्स भी जो है हमारी इकॉनमी बाकी इकॉनमी की तरह दो पहियों पर चलें, दो प्लैंक्स के ऊपर बैलेंस हो. बैंकिंग सेक्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और कैपिटल मार्केट्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो उसके लिए जो हमने एफर्ट्स किए हैं, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का, KYC और AML को इजी करने का, बायोमेट्रिक्स की वेरिफिकेशन का, हमने 16 पेज से 2.5 पेज का कर दिया है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म. तो ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी कि आसानी से इन्वेस्टर्स आ सकें. RDA का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कि पहली दफ़ा बैंक्स और कैपिटल मार्केट्स में KYC शेयरिंग हो रही है. अब आई एम थैंकफुल टू स्टेट बैंक और SECP के लोकल मार्केट में भी उन्होंने वही रेगुलेशंस अप्रूव कर दिए हैं. तो ओवर टाइम लोकल मार्केट में भी बैंक अकाउंट्स, बैंक्स और ब्रोकरेज हाउसेस के मन KYC और AML शेयरिंग होगी. तो ऑल दी स्टेप्स विल मेक इट ईजियर फॉर पीपल टू ओपन अकाउंट्स. सिमिलरली IPO जो नहीं हो रहे थे, वी वर्क वेरी हार्ड कि IPO विंडो को रीओपन करें, और जो कि पिछले 4-5 साल से बहुत ही स्लो पेस के IPOs हो रहे थे, इस साल काफ़ी पेस बेहतर रही और हमारी काफ़ी फुल पाइपलाइन है. तो उसको भी हमें फर्दर करना है. मगर ये दो प्लैंक्स जो हैं हमारी डिमांड और सप्लाई साइड के, इसके ऊपर हमने बहुत फोकस किया और काफ़ी प्रोग्रेस किया. तो सही सर, थोड़ा सा दो क्वेश्चंस इसके हवाले से थे कि देर आर वेरी लो वॉल्यूम्स इन मार्केट, यू नो, इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी अगर हम बात करें तो मार्केट से इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो एक मतलब अनसर्टेनिटी, इट्स अ वेरी वोलेटाइल मार्केट, वी कैन सी दैट. तो इवन जो कैश है जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो भी थोड़े से बैक हो गए ना. तो एक तो ये बताइएगा कि कैसे हम उनका ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं, हाउ वी कैन बिल्ड देयर ट्रस्ट टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन दिस मार्केट. और इसके अलावा ये बताइएगा, पहले आप ये इसका आंसर दे दें. देखिए, यू राइट, जैसा मैंने कहा हमारी मार्केट में नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स अभी भी बहुत थोड़े हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होने चाहिए कंसिडरिंग द साइज ऑफ आर मार्केट. और इसके साथ जो मेन चीज़ है, आपने यू नो ट्रस्ट की बात की. देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर हमेशा एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इन्वेस्ट करना होता है. अगर आप आज देखें बाहर की मार्केट्स भी, तो वो सब जो हैं बहुत वॉलेटाइल हैं, क्योंकि एक इन्वायरमेंट चेंज हो रही है. ऑयल प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं. तो हमारे मार्केट में, और शायद हमारे कई बार ब्रोकर्स भी और हम लोग सब इनकरेज करते हैं लोगों को ट्रेड करने के लिए, मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए. सर, लॉन्ग टर्म व्यू, वॉलेटिलिटी तो हर मार्केट के अंदर जो है वो रहती है. अगर हम हमारे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को देखें मार्केट के अंदर, तो दे हैव बिन एक्सेप्शनल, एज गुड एज एनी वेयर एल्स इन द वर्ल्ड. इन फैक्ट शायद बाकी मार्केट से बेहतर ही रहे. मैं एक देख रहा था, एक बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउस ने रिसर्च प्रोड्यूस की थी कि अगर पिछले 20 साल का आप रिटर्न देखें
PSXQ पर, तो इट इज अबाउट 19% पर एनम इन डॉलर टर्म्स. यस. अब नाउ दैट इज बेटर देन ऑलमोस्ट एनी एसेट क्लास इन द वर्ल्ड. ठीक है ना जी. पिछले 10 साल का भी आप देखें तो डॉलर टर्म में तकरीबन 8-9% के करीब है. तो इवन दैट इज बेटर देन द रिटर्न दैट यू आर गेटिंग इन अदर प्लेसेस. तो हमें ये चीज़ को जो है इन्वेस्टर्स को एक्सप्लेन करना चाहिए है कि अच्छी चीज़ें ठीक टाइम पर खरीदें, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, तो जनरली आपको उसका रिटर्न मिलता है. जब आप ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो या तो आप बहुत लकी हों या बहुत ही टैलेंटेड हों तो शायद आप पैसे बना लें, अदरवाइज जनरली लूज ही करते हैं. अच्छा सर, सो व्हाट एडवाइसेस यू गिव टू द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन दिस पीएसएक्स, मतलब रादर देन द इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट्स और इन म्यूचुअल फंड्स एंड द अदर सेक्टर्स? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक पोर्टफोलियो अप्रोच लें. ठीक है ना जी. तो अगर आपके पास 100 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप उसके बारे में सोचें और डिसाइड करें कि उसमें से कितना परसेंट कैश में होना चाहिए जो मुझे अपनी ज़रूरत के लिए चाहिए है. तो एटलीस्ट से अगले 3-4 महीने के आपके पास होना चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो आपके पास कैश अवेलेबल हो. कितना आपको रियल इस्टेट में होना चाहिए है, या आपने अपना घर लिया हुआ तो ऑलरेडी आपका वो एक्सपोजर हुआ हुआ है रियल इस्टेट में, तो ना सारा कुछ रियल इस्टेट में डालना चाहिए ना सारा कुछ स्टॉक्स में डालना चाहिए. और स्टॉक्स के अंदर देखिए, जनरली बाहर ज़्यादातर मार्केट्स में जो रिसर्च हुई है, ज़्यादातर जो पोर्टफोलियोज बनते हैं वो 60% इक्विटीज, 40% बॉन्ड्स, और उसके अंदर डिपेंडिंग ऑन योर एज, योर रिक्वायरमेंट्स, वो आप उसको शिफ्ट करते जाते हैं. द ओल्डर यू आर द स्मॉलर योर एक्सपोजर टू इक्विटी, क्योंकि रिस्क बढ़ जाती है. द यंगर यू आर द मोर एक्सपोजर यू शुड हैव इन इक्विटीज. तो इन्वेस्टर्स को भी चाहिए है, और हमारे जो है इंटरमीडियरीज, उनको भी ये चीज़ ज़रूरी है, एक्सप्लेन करें अपने क्लाइंट्स को कि आप अपना पोर्टफोलियो देख कर और इक्विटीज़ में वो पैसा डालना चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए, फॉरन इमीडिएट नियर टर्म के लिए ज़रूरत नहीं है, जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं. और लेवरेज ना लें, क्योंकि जब आपने लेवरेज ली, मार्केट ज़रा भी ऊपर नीचे गई तो आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं. तो यू कैन बाय इन द मार्केट एट द टाइम ऑफ योर चूजिंग, बट यू कांट एग्जिट फ्रॉम द मार्केट एट द टाइम ऑफ योर चूजिंग. बिल्कुल ठीक है. एग्जिट तब आप मार्केट से करेंगे जब आपको लगेगा कि अब ये चीज़ मेच्योर हो गई. तो उसमें हो सकता है 6 महीने भी लगे, हो सकता है 3 साल भी लगे. सो यू हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू एंड यू हैव टू हैव अ पोर्टफोलियो अप्रोच टू योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. और ये बहुत ज़रूरी है. पूरी दुनिया में अगेन ये रिसर्च है, और जिस तरह मैंने यहाँ की भी लॉन्ग टर्म रिटर्न आपसे बात की, कि अगर आपका इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर नहीं है तो यू आर एक्चुअली लूजिंग आउट. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यंग पीपल खासतौर पर कि आप समझें कि क्या रिटर्न मिल सकता है, किस अप्रोच से मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए. और अगर आपके पास खुद नॉलेज या टाइम नहीं है तो फिर अच्छे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें. पूरी दुनिया में लोग म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं बजाय डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के. मगर अगर आप अपना एक्सपोजर इक्विटी मार्केट्स को नहीं रखेंगे तो आप यू आर चीटिंग योर सेल्फ एंड योर फ्यूचर इनकम गेन्स. It's a lot of volatility in this market. So there's a question is ke sometimes in a day we see that volumes are so high, volumes are so low, and even the index it's so high and low in a day. So what are the factors affecting the market with these kind of volatility? देखिए, मैं फिर ये कहूँगा कि volatility at certain times equity market पूरी दुनिया में होती है. आप पिछले एक हफ्ते का S&P और डाउ जोन्स अमेरिका जो कि सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया की, उसको देखें. और मेरे ख्याल है परसों तो शायद 5% अप डाउन थी, फिर कोई 1% अप बंद हुई मार्केट. ठीक है ना. तो इतना बड़ा स्विंग एक दिन के अंदर हुआ. तो ये इस वक्त एक है दुनिया में अनसर्टनिटी इंटरेस्ट रेट्स ऑयल प्राइसेस की वजह से. मगर इसलिए मैंने कहा ना कि वॉलीटिलिटी से आपको डर इसलिए आता है क्योंकि आपने पोजिशन ली हुई है अगले 2 दिन के लिए. जी. अगर आपने पोजीशन ली हुई है अगले 1-3 साल के व्यू से, तो प्राइस ऊपर नीचे होए अनलेस कंपनी की प्रॉफिट ख़राब आए और आपका व्यू चेंज हो रहा है कि नहीं भी मैंने सोचा था कि कंपनी मैंने ली है क्योंकि उसकी इस तरह प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होएगी और अब समथिंग इज चेंज जिसकी वजह से नहीं हो रही, तो तब ऑब्वियसली यू शुड थिंक कि भाई मैं इसमें इन्वेस्टमेंट रखूँ या नहीं रखूँ. अदरवाइज इफ थिंग्स आर गोइंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस,
और प्राइस उसकी मार्केट में थोड़ी ऊपर नीचे जा रही है, तो उसमें मेरे ख्याल में वही घबराता है जिसने दो दिन के लिए पोजीशन लेवरेज या लेवरेज लिया हुआ है या उसने शॉर्ट टर्म ली हुई है। क्योंकि मुझे कई बार मेरे दोस्त पूछते हैं आके कि भाई मेरे पास ये दो महीने के लिए पैसे में कौन सा शेयर लूं, मतलब तो खुदा के वास्ते दो महीने के पैसे से शेयर तो नहीं लेते। अगर तुम्हें दो महीने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट है तो उसको तुम बैंक में रखो। या यू शुडंट इन्वेस्ट एट दैट टाइम। अच्छा सर, थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताइए। जी आई थिंक ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है और PSX इज वेरी वेरी प्रोएक्टिव इन दिस। आई थिंक ओवरऑल हमारी अगर आप देखें तो 15% से ऊपर जो है वो वुमेन वर्कफोर्स है। मगर व्हाट आई एम वेरी हैप्पी इज कि जिस तरह सीनियर लेवल्स पर आए तो वो परसेंटेज बढ़ती जाती है। तो फॉर एग्जांपल जो मेरे डायरेक्ट रिपोर्ट्स हैं, जो CEO के डायरेक्ट रिपोर्ट्स हैं, ऑलमोस्ट 50% आर वुमेन। इसी तरह हमारे बोर्ड पे भी यू नो वी हैव टू वुमेन डायरेक्टर्स, और इंशाल्लाह कोई वैकेंसीज हुई तो वी विल यू नो लुक टू इंक्रीज दोस फर्दर एज वेल। तो ये तो एक मतलब इसमें तो कोई डिस्कशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ विद इन PSX बट ऑल्सो इन द ब्रॉडर कैपिटल मार्केट्स वुमेन आर प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मगर उनकी इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं है जितनी होनी चाहिए। एंड आई थिंक इट इज़ अप, वी मस्ट ऑल इनकरेज दैट मोर। एंड इवन एज इन्वेस्टर्स यू नो वुमेन आई फाइंड आर मोर थॉटफुल इन्वेस्टर्स मेनी टाइम्स। तो और रायदा जो हमारी हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट हैं वो वुमेन्स इन्वेस्टमेंट फोरम्स भी रन करती हैं। तो आई वुड इनकरेज कि जिनका भी इंटरेस्ट होए तो फेसबुक के ऊपर और दूसरे फोरम्स के ऊपर ज्वाइन करें, बिकॉज आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन टू लर्न कि हाउ टू मैनेज फाइनेंसेस एंड हाउ टू मैनेज इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि वो एक बेसिक चीज़ है जो आपको एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस देती है। जब आपके पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होए और आप उस इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को या फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज कर सकें, तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जहाँ पे औरतों को चाहे आप काम कर रही हो ना कर रही हो बट टू बी वेरी अवेयर कि किस तरह फाइनेंसेस को हैंडल करना चाहिए। वट मेजर्स यू पीपल आर डूइंग फॉर द अवेयरनेस ऑफ दीज एरियाज विच आर निगलेक्टेड लाइक पंजाब साइड इन्वेस्टर्स अवेयरनेस? जी देखिए, जिस तरह आपने कहा कि इन्वेस्टर बेस बहुत थोड़ी है, तो उसमें लैक ऑफ अवेयरनेस शहरों में भी है और रूरल एरियाज में भी है। और इसके अंदर वी बीन हैविंग अ लॉट ऑफ डिस्कशन विद ब्रोकर्स बिकॉज, और मेरी आप लोगों के फोरम से ये रिक्वेस्ट फिर से होएगी विद ब्रोकरेज कम्युनिटी कि दे आर द लास्ट माइल। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्वेस्टर अकाउंट खोलना है, PSX नहीं खोल सकता। We can only make the regulations as easy as possible, but in the end, if you want to open an account, you have to go to a broker to open an account. Yes. तो ये हम सबकी collective responsibility है कि हम लोग अपनी outreach और education और marketing को increase करें। PSX उसमें leading role play कर सकता है, support कर सकता है, मगर in the end, the brokers have to step forward and take that responsibility also. और वो बहुत उसके ऊपर I think जो है पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। देवर जेन्युइन इश्यूज के AML KYC के इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हो गए थे बिकॉज FATF के, वाकई ब्रोकर्स के लिए भी इट वाज डिफ़िकल्टी हो रही थी अकाउंट्स को मैनेज करना, ओपन करने में। तो इसलिए वी वर्क विद देम कि उनको किस तरह इन प्रोसेस को आसान किया जाए, मगर अब क्योंकि काफ़ी हद तक आसान हो गए हैं तो आई थिंक वी ऑल नीड टू नाउ गो आउट मोर अग्रेसिवली मोर एक्टिवली ऑल ओवर द कंट्री to educate and bring in investors into PSX. So, sir, how do you see market in coming months in 2022? Like, बहुत मैंने ऐसा सुना है और वी आर यू नो न्यूज़ में इंडेक्स जो है वो काफ़ी ऊपर चला जाएगा, आप चला जाएगा। देखिए जी, इंडेक्स के ऊपर, हाँ इंडेक्स के ऊपर तो मैं कॉमेंट बताएं इन्वेस्टर्स को, थोड़ा सा हौसला दें। इंडेक्स के ऊपर मैं कॉमेंट नहीं करना चाहता जिस तरह मैंने पहले कहा था, बट एज आई सेड कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स आर इन प्लेस, मार्केट में लिक्विडिटी भी है, कंपनीज के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, मैक्रो लेवल की चीज़ें भी क्लियर हो रही हैं। तो अब अपने ब्रोकरेज हाउस से बात कर कर इन्वेस्टर्स नीड टू मेकअप देयर माइंड। मगर आई थिंक जो भी कोई एक अच्छे शेयर्स लॉन्ग टर्म व्यू से लेता है, जिस तरह मैंने कहा जनरली मेरे एक्सपीरियंस में तो उन्होंने गेन ही किया।
सर एक क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड. सर हमारे 100 इंडेक्स कंपनीज हैं जिसमें पॉइंट्स हैं, 100 इंडेक्स बेसिकली. तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके पॉइंट्स ज़्यादा एड ऑन होते हैं 100 इंडेक्स में, और कुछ ऐसी हैं जिनके बहुत लो हैं. तो उसके ऊपर इंडेक्स पे कैसे मतलब उसका इम्पैक्ट पड़ता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं. क्योंकि इंडेक्स कभी कभार बहुत हाई हो जाता है, तो उसका रीज़न ये होता है कि वो कंपनी जिसके पॉइंट ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से इंडेक्स हाई चला जाता है, प्लस हो जाती है मार्केट. इंडेक्स का जो मकसद होता है किसी भी मार्केट में कि वो इंडेक्स किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट या सेक्टर या ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट करे. तो KSE 100 का जो है मकसद इज टू गिव अ प्रॉक्सी के ओवरऑल मार्केट कैसे बिहेव कर रही है. तो इट इज हैज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द सेक्टर्स एंड इट इज ऑल्सो वेटेड बाय मार्केट कैप. तो जाहिर है अगर कोई एक ज़्यादा बड़ी कंपनी है वो उसकी प्राइस ऊपर नीचे जाती है तो उसका रिलेटिवली इंडेक्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा. बट दैट इज deliberate design क्यों है. KSE 100 is supposed to represent के market में क्या जो है उस दिन हुआ. सर तो काम आपका इस तरह का है, तो आप किस किस तरीके से अपना स्ट्रेस मैनेज करते हैं, एंगर कैसे मैनेज करते हैं? स्ट्रेस मैनेज आई थिंक जो है वन हैज टू से स्टे काम एंड कलेक्टेड and you know to keep things in perspective. So many things go right, some things go wrong, magar as long as you understand ki kya hua usko kis tarah correct karna hai and you carry on to aur team achhi hue sath to usse stress kam ho jata. Okay sir, so three competencies for a leadership. A leader must have three competencies. जी आई थिंक देर आर यू नो न्यूमरस कॉम्पिटेंसीज जो कि ज़रूरत होती है और एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल एंड बिजनेस और इवन इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज आर रिक्वायर्ड. और मेरा ख्याल है लीडर्स का जो है रोल और जॉब वो पिछले 10-15 साल में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया. आई थिंक पहले इट यूज़ टू बी राइट और रॉन्ग, प्रॉब्ली फॉर रॉन्ग रीज़न. ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन एक हायरार्किकल वे में चलती थी, जो लीडर ने कह दिया बस ख़त्म होगी बात वहाँ पे, और उसके कुछ बेनिफिट्स भी थे और बहुत सारे उसके नेगेटिव्स भी थे. अब जो है चीज़ें चेंज हो गई हैं, यू नो डाइवर्सिटी बहुत है, ESG के ऊपर फोकस है. यू नो दीज आर थिंग्स जो कि आप उनको इमीडिएटली बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं कर सकते. अगर इफ़ यू वर ओनली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल के प्रॉफिट कितना साल के एंड पे बन रहा है तो दैट इज़ अ वेरी सिंपल बेंचमार्क. मगर उसके अब जो है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है, यू नो डाइवर्सिटी के टारगेट्स हैं, ESG इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. मगर उसका मतलब उसका रिजल्ट ये है कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स एक साथ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं एज ए लीडर. तो हो सकता है कि अगर आपने ESG के ऊपर फोकस किया तो आपकी शायद शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कुछ इम्पैक्ट आए. तो हाउ डू यू बैलेंस दोज? सो बट दीज आर इंटरेस्टिंग चैलेंजेस एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस एंड दीज आर चैलेंजेस विच लीडर्स मस्ट टेक ऑन. तो आई थिंक जो आपने कॉम्पिटेंसीज की बात की उसके अंदर टीम बिल्डिंग, बिकॉज आपको जो है जो चीज़ों के ऊपर काम करना है वो और बढ़ गई हैं. तो एक आदमी या औरत के पास वो सारी कॉम्पिटेंसीज इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट या नॉलेज उन चीज़ों का नहीं हो सकता. तो अगर आप टीम नहीं बिल्ड करेंगे कि ठीक है मेरे पास इस चीज़ की नॉलेज ज़्यादा है मगर आपके पास दूसरी चीज़ की नॉलेज ज़्यादा है और यू नो थर्ड के पास टीम में किसी और चीज़ की नॉलेज ज़्यादा, तो कलेक्टिवली फिर हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टीम अच्छी अपने साथ पुल टुगेदर कर सकें और आइडियली वो टीम के लोग आपसे बेहतर होने चाहिए सो दैट दे पुश यू फर्दर रादर देन यू पुलिंग देम. द टीम शुड बी पुशिंग यू कि जी ये चीज़ नहीं सोची आपने, क्योंकि अगर सब चीज़ लीडर नहीं सोच ली तो फिर इतना टीम की जरूरत यू नो. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टीम बिल्डिंग एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाई पीपल हु आर रियली वेरी गुड एंड कीप देम मोटिवेटेड एज पार्ट ऑफ द टीम. आई थिंक एम्पथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो खासतौर पिछले 1.5 साल में देखा पीपल हैव गॉन थ्रू अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड वन मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड एम्पथाइज विद ईच अदर एज टीम मेम्बर्स
कि हाउ डू वी कलेक्टिवली कोप विद दिस यू नो डिफिकल्ट एनवायरनमेंट. और उसके साथ यू नो व्हाइल लीडर्स आई थिंक हैव टू बी हैव बोथ अ वाइड नॉलेज ऑफ मेनी एरियाज नाउ, बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो नीड टू हैव, क्योंकि चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, दे ऑल्सो नीड टू हैव डीप नॉलेज विच इज़ अगेन नॉट ईजी. कि बहुत सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा पता है या दो चार चीजों का बहुत ज्यादा पता है. सही. सो दीज आर सम ऑफ द कॉम्पिटेंसी. सर, आइडिया ऑफ हैप्पीनेस देयर फॉर स्पेसिफिकली पीपल एंड फॉर स्पेसिफिकली इन्वेस्टर्स एज वेल. जी, इन्वेस्टर्स को आइडिया ऑफ हैप्पीनेस दे थोड़ा सा, कैसे खुश रह सकते हैं, मतलब कैसे सेटिस्फाई रहे हैं अगर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है तो. मार्केट में अक्सर हम देखते हैं लोग बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं. खुश इसी तरह रह सकते हैं कि आपने अपने आप को ओवर ट्रेड नहीं किया हुआ. जिस तरह मैंने कहा आपने एक पोर्टफोलियो अप्रोच ली है कि मेरे पास 100 रुपए हैं ऑफ माय वर्थ, मैं उसको किस तरह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कितना रियल इस्टेट में डाल रहा हूँ, कितना स्टॉक मार्केट में डाल रहा हूँ, कितना मैं अपने पास कैश में रख रहा हूँ. अगर वो चीज़ आपने ठीक से की हुए तो उससे खुद ही स्ट्रेस कम हो जाता है. दूसरा, आप एक लॉन्ग टर्म व्यू से इन्वेस्ट करें तो रोज़ आपको स्क्रीन या न्यूज़पेपर प्राइसेस देखने की ज़रूरत भी नहीं है. तो आई थिंक अगर ये दो चीज़ें इन्वेस्टर्स सोच समझ के करें तो आई थिंक खुश भी रहेंगे और स्ट्रेस लेवल भी कम होगा. ठीक है, PSX को अगर हम इसमें से थोड़ा सा भी निकाल दें तो आइडिया ऑफ हैप्पीनेस क्या देंगे? देखिए, आइडिया ऑफ हैप्पीनेस तो यही है कि आप जो है, और हर एक के लिए अलग होता है, बट यू हैव टू फिगर आउट कि कंटेंटमेंट किस तरह आपको मिलती है. और आप जो है, आई थिंक वन मस्ट एम हाई, वन मस्ट ट्राई एंड अचीव थिंग्स, मगर वन हैज़ टू बी रेकनसाइल्ड के सब चीज़ें जो मैं करने की कोशिश करूँगा उनमें सक्सेस नहीं होगी. तो कुछ चीज़ें अगर नहीं होती सक्सेस तो दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ. और वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल्सो, जो बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि दे वॉन्ट टू कंट्रोल एंड हैव सर्टेनिटी, वी हैव टू एक्सेप्ट कि ज़िंदगी में कोई सर्टन चीज़ नहीं है. मैंने आज ये सोच कर स्टार्ट किया मगर इन दी एंड इट टर्न्स आउट टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड That's the way life is. You have to make your best effort and then try another thing. Three words for success. I think success, to my mind, has to be both spiritual and material. तो आप content भी हुए, आपने इतना जो है इकोनॉमिकली अपने आप को सिक्योर कर लिया है कि योर सेल्फ एंड योर फैमिली, आप उनको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सकें. और आई थिंक थर्ड वेरी इम्पोर्टेंट सक्सेस इज कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए किस तरह आप कंट्रीब्यूट कर सकें. सर, गिव ऑप्टिमिज्म मैसेज टू आवर यूथ जनरेशन. थिंक जो मैं चीज़ शेयर करना चाहूँगा यूथ से और PSX के पर्सपेक्टिव से, कि देखें, एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग दैट ओनली यूथ हैव, विच इज़ टाइम. जो वैल्यू होती है कंपाउंडिंग की इन्वेस्टिंग के अंदर, वो सिर्फ टाइम से ही मिल सकती है. और जितना जल्दी आप इन्वेस्टिंग करना शुरू करेंगे उतना आपको उसका बेनिफिट मिलेगा. अगर किसी के पास 10 साल का इन्वेस्टमेंट साइकिल है तो उसकी इन्वेस्टमेंट सक्सेस और स्ट्रेटजी फ़र्क होगी. अगर किसी के पास अगले 50 साल का होराइज़न है तो उसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और उसके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे. तो मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि right at the start of your career, think of how you want to invest. चाहे वो 100 रुपये हुए, चाहे वो 1 लाख रुपया हुए, चाहे वो 10,000 रुपये हुए, मगर इन्वेस्टिंग की हैबिट में आप जाइए as soon as you can. क्योंकि जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना आपको आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बेहतर होंगे. तो दो चीज़ें हर महीने ज़रूर करें आप, कि अपने इनकम से कुछ पैसे चैरिटी के लिए निकालें और कुछ पैसे इन्वेस्टिंग के लिए निकालें, बाकी जो मर्जी करें उसके साथ आप. एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच.